हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए पथराव के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। देहरादून पुलिस ने भविष्य की सतर्कता को देखते हुए मॉक ड्रिल की है। ड्रिल के दौरान फायर ब्रिगेड, घुड़सवार पुलिस, आंसू गैस टीम, लाठी पार्टी और फायरिंग पार्टी ने अभ्यास किया। प्रदर्शन में उपद्रवियों से निपटने का अभ्यास किया गया, जिससे भीड़ को शांत और हिंसा के दौरान न्यूनतम नुकसान किया जा सके। इस दौरान SSP ने अजय सिंह समेत जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ अभ्यास में शिरकत की। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद में पुलिस ने मॉक ड्रिल की है। मॉक ड्रिल के साथ ही साथ इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस के जवानों को तैयार किया गया। अलग अलग गुट की टुकड़ियां इस मॉक ड्रिल में शामिल हुई हैं और अभ्यास किया। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है हल्द्वानी हिंसा के बाद, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से प्रैक्टिस की गई? देखिए, आज ये मॉक ड्रिल की गई और जिसमें कहा जा सकता है कि जिस तरह से हल्द्वानी में पथराव हुआ और उसके बाद हिंसा हुई, उससे निपटने के लिए ये पूरी दून पुलिस की कहा जा सकता है इस पहले से तैयारी है कि अगर भविष्य में इस तरह की घटनाएं और भी होती है तो उसके लिए पुलिस तैयार है। और इसी के तहत अधिकारियों को जो DGP लेवल है उनके द्वारा जो निर्देश है वो सभी जिले के पुलिस को दे दिया गया है और जल्द ही सभी जिलों में हमने इस तरह की तैयारियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद पथराव हुआ, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए, तो उसी को बचने के लिए, बचाने के लिए कि शांति व्यवस्था साथ साथ किस तरह से बना सकते हैं, उस वक्त भीड़ को किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, साथ साथ कितना नुकसान जो पुलिस का हुआ था वहाँ पर वो कम हो सके, और साथ साथ जो उपद्रवियों को पहले से चिन्हित करके उन्हें पहले से ही गिरफ्तार कर दिया जाए। ऐसे में इन्हें पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है पहले से ही भविष्य के लिए कि अगर ऐसी कोई घटना होती है हल्द्वानी जैसी तो उसमें कम नुकसान हो पुलिस का और साथ साथ स्थानीय लोगों का। तो ऐसे में आज मॉक ड्रिल की गई है जिसमें तमाम जो टीमें हैं, घुड़सवार पुलिस है, आपकी कहा जा सकता है जो आंसू गैस फेंकने वाली जो पुलिस है, साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, तो तमाम जो पुलिस है उन्हें आज एक मॉक ड्रिल के जरिए एक परीक्षण दिया गया कि वो आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाओं से निपट सके। और इसी हल्द्वानी की तर्ज पर आज पुलिस मुख्यालय में ये मॉक ड्रिल देखने को मिली है। जी जी बिल्कुल। तो कितने घंटे लंबा ये अभ्यास चलेगा और साथ ही साथ जिस तरह से मॉक ड्रिल की गई है, इस तरह की घटना में हिंसा कम से कम हो उसको लेकर आगे भी क्या इस तरह की मॉक ड्रिल जारी रहेगी? देखिए बिल्कुल, DGP लेवल में ये पूरे आदेश दिए गए हैं सभी जिलों को कि वो अपने ज़िले में एक मॉक ड्रिल करें इस पूरे जिस तरह से हल्द्वानी में पथराव हुआ, और उसी के तहत पूरे प्रदेश भर में इस तरह की मॉक ड्रिल देखने को मिल सकती है, क्योंकि हल्द्वानी में जिस तरह से पथराव हुआ, 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं घायल हुए, कई गाड़ियाँ जली, थाना फूंक दिया गया, तो ऐसे में जिस तरह से अगर प्रदर्शन होते हैं या फिर उसे किस तरह से पहले से रोका जाए और साथ साथ अगर ऐसी स्थिति बन आती है तो पुलिस की क्या प्राथमिकता रहे, उसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है। तो सभी जिलों में हमें यह देखने को मिलेगा कि इस तरह की मॉक ड्रिल साथ साथ आज देहरादून में देखने को मिली, और भविष्य में भी इस तरह की मॉक ड्रिल बार बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से पथराव हुआ कहीं ना कहीं पुलिस की चूक भी बताई जा रही थी, लेकिन उसे संभालने के लिए इस तरह से बेहतर संभाला जा सके जब ऐसी घटना हो, तो इस तरह की मॉक ड्रिल्स और भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल तुषार, बने रहिएगा आप हमारे साथ।